यहाँ पर अपना जीवन काटा है और इस पहाड़ी के आसपास में तमाम अनुभव मिले हैं। यहाँ की गरीब जो जनता है लेकिन आस्था बहुत है शंकर जी की। इसके अंदर जो तालाब बना हुआ है उसको देख के ऐसा लगा कि वो प्राकृतिक है, तालाब अच्छा लग रहा है, कोई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिल रही है और जो कि यहाँ पे एक शिव मंदिर है। तालाब है नहाने वाला, कौन सी? ये पहाड़ दूसरा है और वो मंदिर आगे है। के पास हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। ये कलिंजर किला के लिए रोड गया है इधर पहाड़ों से। कलिंजर किला के लिए हम लोग मुड़ चुके हैं। से पूरा शहर दिखाई पड़ेगा कलिंजर, ये गांव है। इधर से घूमना है दाहिने, कृपया मोड़ पर हॉर्न बजाएं। राजा महाराजा लोग जो है किला ऊपर इसलिए बनाते थे कि जैसे कोई दूसरा आक्रमण करे तो जल्दी आक्रमण चढ़ने पाए और नीचे जो लड़ाई वाले सेना है तो ऊपर से मारते रहे, पत्थर धकियाते रहे, आग फेंकते रहे, पानी फेंकते रहे, इसलिए किला ऊंचाई पर मंदिर जरूर बनाते थे। यहाँ से टिकट वगैरह कटेगा। तो कलिंजर किला में हम पहुंच चुके हैं इस समय। ये देखिए पीछे कलिंजर किला एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं और यहीं से अभी जो आगे वीडियोस में ब्लॉग्स वगैरह में जो आएगा तो हम लोगों को दिखाएंगे। कौन कौन से टिकट कटवा लिया है? 25-25 रुपए का टिकट है। हमारे गाने में जितने लोग आए थे सब लोगों ने और मामा को केवल पानी शायद गाड़ी के ही माध्यम से आगे जाना पड़े, तो देखते हैं। अभी टिकट लिया हुआ है और गाड़ी में बैठ गए। नारायण सर जी भी साथ में आए हुए हैं और सूरज भाई भी हमारे सब लोग साथ में हैं। कालिंजर किले हम लोग घूमने आए, सब लोग आए घूमने। सूरज जी अपना अपना नाम बताओ। और ये ब्लॉग बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये देखिए तिरंगा यहाँ कितना, और ये अभी 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के लगभग और चलना पड़ेगा अंदर, जहाँ से कलिंजर किला पहुँच चुके हैं। कलिंजर किला पहुँच चुके हैं भाई।
ये देखिए गाड़ियों से आए हैं, बीबी माई साथी से आ रहे हैं, और ये और हमारे साथी लोग फोटो खींच रहे हैं, ये देखिए। अरे भाई हेलो। यहाँ कुछ साथी कल फोटो खिंचाने के लिए रुके हुए थे और अभी फिर से गाड़ी में घटना बताया जा रहा है कि गाड़ी में बैठिए और आगे चलिए। यहाँ पर नीलकंठ मंदिर, बैकंठ बिहारी और रानी महल आया है। अभी हम लोग नीलकंठ मंदिर किले में अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं लोग। नीचे सेटेलाइट का आ रहा है, देखिए देखिए हम लोग अभी ऊपर हैं किले में और सभी साथी किले में हैं इस समय और हमारे साथी लोग बहुत सारी फोटो खींच रहे हैं और हम लोग अभी ऊपर हैं, देखिए नीचे का व्यू। हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, सुजीत भाई जी हमारे आगे आगे चल रहे हैं। जय हो जय हो। ये हमारे अभिजीत जी देखो फोटो खिंचा रहे हैं साथ में, देखिए कुछ एनसीसी वाले भी इधर। देखिए सर जी लो खा लो सर, सर जी सर जी रुको रुको हम भी सर हमारा वीडियो बन रहा है यूट्यूब चैनल पर आप लोग आएंगे। और ये देखिए गौरांगी जी साथ में है, पूरी टीम है साथ में भाई, सब धीरे धीरे सब आतरांगे चल मंदिरों की आकृति में जला रहे हैं। भैया आ जाओ साहब, हमारे साथी लोग फोटो खिंचाते हुए एनसीसी वाले बच्चों के साथ में। अभी हम पीछे साथियों के साथ में हैं, अभिजीत अर्पित दो कदम चाल और आज हम लोग कहाँ पे घूमने आए हैं, कालिंजर किले में हम लोग हैं और अभी दर्शन करने चल रहे हैं कालिंजर किले में हैं और आगे चलते हैं हम लोग इधर। ये हमारे आलोक जी हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। आइए भाई अभिजीत जी और हम आपको दिखाते हैं उधर मंदिर में। एक चक चक चल रहे हैं, ये देखिएगा अपना मंदिर दिखाई पड़ रहा है, पूरा छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। ये मंदिर प्रांगण में हम लोग इस समय हैं, महादेव जी का मंदिर है कालिंजर किले में और छोटी छोटी मूर्तियाँ बहुत सारी कलाकारी की गई है कालिंजर किले पे। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आप कालिंजर किला में, ऊपर तालाब बना हुआ है वो देख जाते हैं। ये तालाब देखिए हमेशा पानी गिरता रहता है इसमें, देखिए यहाँ से सुंदर नजारा नीचे का बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। इसके अंदर जो तालाब बना हुआ है उसको देख के ऐसा लगा कि वो प्राकृतिक है। तालाब आपने देखा है, भौतिकता का रूप प्रदान किया गया है। तालाब आपने देखा है, तालाब देखा है कहाँ पर? तालाब तालाब एक सुरंग टाइप बना हुआ है, ये आगे थोड़ा जाएंगे तब बना हुआ है और इसके नीचे भगवान शिव का मंदिर है, नीलकंठ नाम दिया हुआ है जिसका। जी जी मंदिर में दर्शन करने तो अभी गए थे, दर्शन भी किया है। हमारे साथ उमेश सर हैं और इनसे पूछेंगे कालिंजर किले में आकर इनको कैसा एहसास हो रहा है, कैसा लग रहा है? तो कालिंजर किले में आके काफी अच्छा लग रहा है, कोई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिल रही है और जो कि यहाँ पे एक शिव मंदिर है वो भी दर्शन हुए और काफी अच्छा लगा। और जैसे कि देख रहे हैं कि ज्यादा बढ़िया है, दो तीन किलोमीटर ऊपर दूर से फोटो हमेशा खराब होती है, बहुत चढ़ाई करके हम आए तो बहुत ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। हैप्पी मूवमेंट रहा मेरे लिए, है ना, तो बहुत अच्छा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जो कालिंजर किला है मैं यहाँ नीलकंठ भगवान के दर्शन करके आया हूँ और सभी देखिए यहाँ पर मंदिर का और ये देखिएगा मंदिर का भगवान नीलकंठ भगवान महाराज ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो गुरु भोलेनाथ की, ओम भोले बाबा की जय। लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए नीचे का इतनी ऊंचाई पे हैं हम लोग।
ऊंचाई पर हम लोग काफ़ी नीचे गए थे नीलकंठ भगवान के दर्शन करने के लिए। और भाई कितना थक गया हूँ मैं। अभी हम लोग कालिंजर किले से नीलकंठ भगवान के दर्शन करने के बाद में वापस जा रहे हैं, साथ में हैं और बताएंगे कितनी बार यहाँ आ चुके हैं, उनका कैसा अनुभव रहा। पहली बार बताएं सर। विष्णु जी हमारे साथ में हैं, हम और विष्णु जी लगभग 6-7 बार यहाँ आ चुके हैं और पिछला एक साल इसी मंदिर के आसपास रहना हुआ है। जी जी, कोरोना काल में ही हम लोगों ने दोनों लोगों ने यहाँ पर अपना जीवन काटा है और इस पहाड़ी के आसपास में तमाम अनुभव मिले हैं। यहाँ के गरीब जो जनता है लेकिन आस्था बहुत है शंकर जी के प्रति और हमेशा शंकर जी के प्रति उनका जो मानना है कि एक बार अपनी राजा महल और रानी महल जाना बाकी है तो अभी उधर के चलते हैं। नीलकंठ बाबा के दर्शन में आया, कैसा अनुभव है यहाँ पर नीलकंठ बाबा के दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर। और ये जो यहाँ पे कालिंजर की बनी हुई बढ़िया देखने को मिले, काफी जो शिव जी की मूर्ति है जो उसमें देखने को पाया हमने, उनके गले से निकल रहा जो पानी निकल रहा था वो बहुत धीरे धीरे मतलब देखने नया मिला, बहुत अच्छा दृश्य था वहाँ देख के। तो यहाँ पर आकर के सब भक्तिमय हो गए हैं, कहते हैं कड़कड़ में राजा बन गए सब। थकान का अनुभव कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं, काफी अच्छा लगा, आनंदमय लगा, शीतल है सब, नीचे माहौल। चले चलते हैं आगे, रानी महल और राजा महल है और गाड़ियों में लोग बैठ भी रहे हैं, देखिए गाड़ियाँ लग चुकी हैं और हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं और ये हमारी गाड़ी है। हम भी बाबा पहली बार आ पाए, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा और दिल गदगद हो गया। राम कटोरा तालाब है, गहरा तालाब है जो पूरे किले को पानी के लिए यहाँ से जाता था पानी, ये वो तालाब।